देश भर में विख्यात बरसाना की लठमार होली को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारी पूर्ण कर ली है। सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बरसाना लठमार होली को देखने के लिए देश के कोने कोने के साथ साथ विदेश से भी लोग यहां होली देखने के लिए पहुंचते हैं। इस बार इस होली में शामिल होने के लिए लड्डू होली के दिन योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया भी शामिल होंगे, जिसे लेकर पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। और मैं हूँ इस समय पर बरसाना स्थित राधा बिहारी इंटर कॉलेज के प्रांगण में, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं एच का निशान, जो कि एक हेलीपैड का निशान है। नंदगम बरसाना की लठमार होली जो कल यहाँ पर लड्डू होली खेली जानी है, उसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का हेलीकॉप्टर कल यहीं पर लैंड करेगा। उसके बाद यहीं से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी 100 मीटर की दूरी पर राधा बिहारी प्रांगण में एक विशाल वाटरप्रूफ पांडाल बनाया गया है, उसमें जहाँ से जाएंगे शिरकत करेंगे वहीं से बरसाना की लड्डू मार होली की शुरुआत होनी है। ये वो विशाल वाटरप्रूफ पांडाल है जिसको कि सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के लिए तैयार किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं, लेबर लगी हुई है, और बुलेट प्रूफ को पूरी तरीका से शासन प्रशासन कल तक तैयार कर देगी, क्योंकि कल यहां पर लड्डू मार होली की शुरुआत होनी है। यहीं से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ब्रज के कलाकार एवं उनकी कलाओं को प्रदर्शित करेंगे, और वहीं ब्रज की कलाओं को भी यहीं से निहारेंगे। उसके बाद आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे एक विशाल स्क्रीन भी लगाई जा रही है जिसके माध्यम से योगी जी को देखा जा सकता है। आप मेरे पीछे ग्राउंड में देख सकते हैं पूरी यहाँ पर फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से ग्राउंड को सजाया जा रहा है। शासन प्रशासन योगी जी के आगमन को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि पिछली बार भी योगी जी आए थे लेकिन शासन की तैयारियों के पूर्ण ना चलते हुए पिछली बार वो लठमार होली में अपनी सहभागिता नहीं कर पाए थे, लेकिन उससे लेकर शासन अब कोई कसर नहीं छोड़ेगा और कल यहां से ही शुरुआत होगी बरसाना के लड्डू मार होली को लेकर बरसाना की लठमार होली तक। सिटी टुडे के लिए मैं गोवर्धन, सिटी टुडे न्यूज के लिए बरसाना के राधा बिहारी ग्राउंड से मैं अपने कैमरा पर्सन राम गोपाल के साथ डीडी शर्मा। तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। सुरक्षा के लिहाज से बरसाना में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन 4 तारीख को बरसाना कस्बे में और 5 तारीख को नंदगांव में होना है, जिसके लिए आज यहाँ पर ब्रीफिंग की गई है। जनपद के साथ साथ अन्य जनपदों से भी फोर्स हमें प्राप्त हो गया है, उसमें पीएसी का भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, बहुत से अधिकारी लगाए जा रहे हैं। जो भी यहाँ पर लठमार होली को खेलने के लिए जो लोग आ रहे हैं और साथ साथ दूर दूर से लोग जो देखने के लिए आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा के लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं कल, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन की प्रबल संभावना है, जैसे ही प्रोग्राम आ जाता है तो उसमें डिटेल में हमारे द्वारा ड्यूटी लगाई जाएगी। उनका जो भी यहाँ पर भ्रमण का कार्यक्रम है या उनका जो भी यहाँ पर आयोजन है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूर्ण जो प्रयास किया गया है। बरसाना में टोटल कितनी अपनी कुर्सियाँ लगाई जा रही है? बरसाना में देखिए, हमारे पास यहाँ राजपत्रित अधिकारी भी आ गए हैं, हमारे पास पीएससी भी आ गई है, हमारा जो सादे कपड़ों में जो ड्यूटियाँ रहती हैं वो भी रहेगा उसमें, और हर प्रकार से सीसीटीवी से भी और ड्रोन से भी नज़र इस पर रखी जाएगी। सर, महिलाएँ कॉन्स्टेबल कितनी रहेंगी? देखिए, महिला कॉन्स्टेबल पर्याप्त संख्या में यहाँ लगाई जा रही है, ताकि महिलाएं जो देखने आएंगी उनको किसी प्रकार की सुविधा ना हो।